गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनु झाझड़िया, मिलते हैं बीबीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से आपके बीबीएससी फर्स्ट ईयर में दो पेपर चलते थे, उसी प्रकार से आपके सेकंड ईयर में भी दो पेपर चलते हैं। एक पेपर का नाम है मानव भूगोल और आपका जो सेकंड पेपर है उसका नाम है संसाधन भूगोल। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि मानव भूगोल और संसाधन भूगोल, कि मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति, प्रजाति, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से विभिन्न देश के या विश्व के विभिन्न भागों में उसका फैलाव हुआ, किस प्रकार की उसकी संस्कृति है, समाज है, अधिवास है। अधिवास होते हैं मनुष्य के रहने का स्थान, नगरीय हैं, ग्रामीण हैं, किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से शारीरिक या अन्य विशेषताओं के कारण किस प्रकार से उसमें भिन्नता पाई जाती है, या मनुष्य पर उस पर्टिकुलर, या कह सकते हैं कि हम जलवायु पर, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मनुष्य की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे, मानव भूगोल में। दूसरा पेपर है हमारा संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में विश्व में जितने भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से पढ़िए। आगे आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए यह सहायक के रूप में कार्य करेंगे। बात करते हैं, हम फर्स्ट पेपर से शुरुआत करेंगे, मानव भूगोल। और वैसे आप सभी को ज्ञात होता है कि जो बीए के स्टूडेंट होते हैं 75 मार्क्स का पेपर होता है, बीएससी के स्टूडेंट होते हैं 50 मार्क्स का पेपर होता है, सेम पेपर होता है, सेम टाइम पे दोनों का पेपर होता है, लेकिन दोनों में सिर्फ अंकों का अंतर पाया जाता है। प्रैक्टिकल दोनों के हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं, वो दोनों के सेम रहते हैं। तो हम बात करेंगे मानव भूगोल की। प्राचीन समय में क्या होता था, मानव भूगोल की बात करने से पहले हम भूगोल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मैं, कि भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी। भूगोल जो शब्द था ग्रीक भाषा का शब्द है। भाषा कौन सी है, ग्रीक। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफिन। एक है जियो, दूसरा है ग्राफिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस संदर्भ में भूगोल की परिभाषा क्या होती है, कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा भूगोल। भूगोल हम किसे कहेंगे, कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना क्या है, भूगोल है। कि हम पृथ्वी की किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, भूगोल के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है कि भूगोल या जो ज्योग्राफी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन जो भूगोल शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने ग्रीक भूगोलवेत्ता था, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रयोग कहाँ किया था, मिस्र में एक जगह का नाम है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब बात आती है कि भूगोल के जनक कौन हैं, भूगोल के जनक कौन हैं। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन हैं, हिकेटियस। अगर पूछा जाए कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो हम कहेंगे इरेटोस्थनीज ने किया था, मिस्र में किया था। और भूगोल का जनक कौन है तो बात करेंगे हम हिकेटियस की। जैसे आप सभी जानते हो कि इतिहास का पिता कौन था, हेरोडोटस। हेरोडोटस ये भी एक भूगोलवेत्ता था, लेकिन इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास का वर्णन अधिक किया था। इनको भूगोल का पिता इसलिए कहा जाता है, दोनों ही भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं हम, इतिहास में भी इनका वर्णन मिलता है, भूगोल में भी इनका वर्णन मिलता है, जैसे हेरोडोटस है। तो ऐसे विद्वान थे
भूगोल और इतिहास दोनों में उनका योगदान रहा है, क्योंकि दोनों विषयों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता था कि प्राचीन समय में जो इतिहास और भूगोल हैं उनको अलग, उनका जो विषय क्षेत्र है इतना अधिक विस्तृत नहीं होता था कि उन दोनों को अलग किया जा सके। तो कोई भी राजा होता था, उसके जो जितने भी विद्वान होते थे तो जिस भी क्षेत्र से गुजरते थे उस क्षेत्र के बारे में वो वर्णन करते जाते थे कि हम उस क्षेत्र से गुजरे, हमने ये चीज़ें देखी, प्राकृतिक दृश्य देखे, मानव जीवन देखा, इस प्रकार का वहाँ के रहन सहन, जीवन, समाज, उन सभी चीज़ों का वो वर्णन करते थे। तो हेरोडोटस महोदय थे, इन्होंने मानव और मानव समाज से संबंधित अधिक अध्ययन किया था कि समाज इस प्रकार का पाया जाता है, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और हिकेटियस थे, इन्होंने प्राकृतिक वर्णन अधिक किया था जिसके कारण इनको तो इतिहास का पिता कहा जाता है, और जबकि हेरोडोटस, सॉरी, हिकेटियस को तो भूगोल का पिता कहा जाता है जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। भूगोल को व्यवस्थित क्रम दिया था, भूगोल को व्यवस्थित क्रम दिया था, व्यवस्थित रूप से भूगोल को लिखने के कारण इनको, हिकेटियस को क्या कहा गया, भूगोल का पिता कहा गया। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, ज्योग्राफी शब्द है, कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना, कि भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, कि पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, भूगोल। बात आती है भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज महोदय ने किया, जबकि भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस, क्योंकि उन्होंने भूगोल को सबसे पहले व्यवस्थित क्रम के रूप में प्रदर्शित किया था जिसके कारण उनको भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक या पिता कहा जाता है। हमारे हेरोडोटस थे, ये भी भूगोलवेता थे, लेकिन इनको इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव और उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अधिक वर्णन किया था। जब प्रारंभ में भूगोल का विकास हुआ उसे सिर्फ भौतिक भूगोल के संबंध में पढ़ा जाता था। भूगोल दो शाखाएं आई, एक थी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा था मानव भूगोल। देखिए दोनों में अंतर क्या है। पहले जब हम भूगोल का अध्ययन करते थे तब भौतिक भूगोल के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता था, जलवायु है, ऊंचावच है, ऊंचावच ऊंचाई को बोलते हैं कि हमारे कहीं पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संदर्भ में या कह सकते हैं नदियों के संदर्भ में हम क्या करते थे, भूगोल का वर्णन करते थे। किसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता था, भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी है और धीरे धीरे भूगोल में किसका अध्ययन बढ़ गया, मानव का, और इसी से एक इसकी एक अलग शाखा का विकास हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, मानव भूगोल। कि पर्वत पहाड़ सब निर्जीव वस्तुएं हैं, उसमें अध्ययन किसका किया जाता है, मानव का किया जाता है, क्योंकि मानव उन सभी वस्तुओं का उपयोगकर्ता होता है। इसलिए भूगोल में किसको स्थान मिला, मानव को स्थान मिला, और एक नई शाखा का विकास हुआ जिसका नाम पड़ा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल था, इसमें जो मुख्य समर्थन वाले विद्वान थे, एक थे हिकेटियस। हिकेटियस हम सभी जानते हैं भूगोल का पिता कहते हैं। एक है पोसिडोनियस, पोसिडोनियस, ये दोनों थे, ये किसके समर्थक थे, भौतिक भूगोल के। हिकेटियस महोदय और पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल का समर्थन दिया, जबकि मानव भूगोल में स्ट्रैबो, मानव भूगोल में स्ट्रैबो और हेरोडोटस, हेरोडोटस, इन दोनों का योगदान किसमें था, मानव भूगोल में। कि भौतिक भूगोल का समर्थन करने वाले हिकेटियस और पोसिडोनियस थे, जबकि मानव भूगोल का समर्थन करने वाले कौन थे, स्ट्रैबो और हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब बात आती है कि आधुनिक जो भूगोल है उसका जनक किसे कहा जाता है। एक फ्रेडरिक रेटजेल महोदय आए,
फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसका अर्थ होता है मानव भूगोल। एंथ्रोपोजियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? मानव भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल मोदे थे, इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी थी और इस एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है मानव भूगोल। लेकिन कहीं भी इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है तो वह एंथ्रोपोजियोग्राफी ही लिखाता है। रेटजेल मोदे ने एंथ्रोपोजियोग्राफी में सबसे पहले भूगोल में किसका वर्णन किया? मानव का। भूगोल में वर्णन किसका किया? मानव का। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक। आधुनिक मानव भूगोल का जनक। पहले भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन जो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी, जिसका अर्थ क्या होता है? मानव भूगोल। और रेटजेल ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल में किसका वर्णन किया था? मानव का वर्णन किया था। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। एक थे हमारे डार्विन महोदय, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जीवों की उत्पत्ति। पुस्तक कौन थी, कौन सी थी? जीवों की उत्पत्ति। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव को अनुकूलन करना पड़ता है ताकि वह प्रकृति में अपने आप को स्थापित कर सके। अगर वह अपने आप को समायोजित नहीं करता है तो वह स्वयं ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और उन्होंने, डार्विन महोदय ने एक विकासवादी संकल्पना दी थी जिससे रेटजेल महोदय अत्यधिक प्रभावित हुए थे और उसी के बाद उन्होंने भूगोल में मानव का वर्णन करना प्रारंभ किया था। तो जो रेटजेल महोदय थे वो डार्विन महोदय से अत्यधिक प्रभावित थे और इनकी जो विकासवादी संकल्पना थी उससे प्रभावित होकर उन्होंने भूगोल में मानव को स्थान दिया, जिसके कारण रेटजेल महोदय को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, परिभाषा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, मानव भूगोल में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि मानव भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा या उसके सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो हम बात करेंगे किसकी? परिभाषा की। अब पिता कौन थे? रेटजेल। तो डेफिनेशन भी किसकी लिखेंगे? रेटजेल मोदे की लिखेंगे। तो इन्होंने कहा, मानव भूगोल के दृश्य, जो भी डेफिनेशन लिखें हमेशा उसको कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखें, उसमें कोई भी किसी प्रकार का संशोधन आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। परिभाषा का अर्थ ही होता है जिस विद्वान ने जो बात कही आप उसी को उसी की भाषा में लिखें। रेटजेल महोदय की जो डेफिनेशन थी, मानव भूगोल के दृश्य, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा बंद। रेटजेल मोदे ने अपनी परिभाषा दी थी जिसमें कहा था कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होते हैं। निश्चयवाद का समर्थन करते थे, कह सकते हैं निश्चयवादी थे। निश्चयवाद में क्या होता है? प्रकृति प्रमुख होती है, प्रकृति मुख्य होती है। रेटजेल मोदे थे निश्चयवादी थे, जिसमें मानव और प्रकृति की अगर बात की जाए, दोनों में मुख्य कौन होता है? प्रकृति होती है। कि प्रकृति मनुष्य के सामने क्या रखती है?
वातावरण प्रस्तुत करती है और मनुष्य को उस वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। कह सकते हैं कि प्रकृति जिस अनुरूप हमें चाहे वैसे हमें रख सकती है, मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर समायोजन करना पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने अपनी परिभाषा में कही है कि जितने भी दृश्य होते हैं, जो भी हमें दिखाई देगा, वो किससे संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। और हम कह सकते हैं कि भौतिक दशाओं का योग होते हैं कि जिस प्रकार की जलवायु होगी, जिस प्रकार का क्षेत्र होगा, उसी प्रकार मनुष्य को उसके साथ समायोजन करना पड़ेगा। रेगिस्तान में है, रेगिस्तान वाली परिस्थितियों के अनुसार रहना पड़ेगा। शीतोष्ण में है, शीतोष्ण के अकॉर्डिंग। और ध्रुवीय प्रदेशों में अगर मानव रहता है तो उन्हीं परिस्थितियों में उसको अपना जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। तो जो रेडजल महोदय थे, ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, जिसमें मानव और प्रकृति में मुख्य कौन होती है, मुख्य प्रकृति होती है। इन रेडजल महोदय की एक शिष्या थी, रेडजल थे जर्मनी के, लेकिन इनकी शिष्या कहाँ की थी, अमेरिका की। शिष्या कहाँ की थी, अमेरिका की। नाम क्या था, एलन चर्चिल सैंपुल, एलन चर्चिल सैंपुल। अब देखिए क्या होता है, गुरु जिस पथ पर चलता है, शिष्य भी उसी पथ पर चलती है, क्योंकि किसका अनुसरण करती है, गुरु का अनुसरण करती है। ये भी क्या थी, निश्चयवादी थी, कह सकते हैं निश्चयवाद विचारधारा की समर्थक थी। ये भी क्या कहती है, इन्होंने एक बात कही थी कि जो मानव है वह पृथ्वी की धूल का कण है, और जब चाहे प्रकृति उसको मिटा सकती है, और पृथ्वी है वह मानव को बालक की तरह उसका पालन पोषण करती है, और वह उसके सामने समस्याएं भी प्रस्तुत करती है और उन समस्याओं के समाधान भी बता देती है। तो कह सकते हैं कि इसमें मुख्य क्या है कि प्रकृति, कि प्रकृति जैसा चाहे वैसा मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करती है, जैसा चाहे वह उसमें उसी को अनुरूप मानव को रहना पड़ता है। तो मुख्य क्या है इसमें, प्रकृति। तो उसने भी यही कहा था, कुमारी सैंपल, एलन सैंपुल थी, उसने भी ये कहा था कि निश्चयवादी विचारधारा की समर्थक थी, उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति प्रबल है, जिस प्रकार की प्रकृति मानव के सामने परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी, मनुष्य को उसी अनुसार क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। इन्होंने एक अपनी बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में उनको पूछ लिया जाता है। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, सैंपल की पुस्तक थी, बहुत फेमस हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने भौगोलिक वातावरण का के प्रभाव का वर्णन किया था कि मनुष्य पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्राकृतिक वातावरण अपना प्रभाव डालता है और मनुष्य को उसी के अनुसार अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता है। इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी थी कि मानव भूगोल सैंपल, पूरा नाम समझ जाना आप इसका, वही कोमा इन्वर्टेड कोमा करके लिखेंगे, मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के, अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के, मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। देखिए सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कि मानव और जो प्रकृति है उसके संबंध एक जैसे नहीं रहते हैं, वो समय के अनुसार क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो उन्होंने यही बात कही है
कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, अस्थायी पृथ्वी है और मानव कैसा है, चंचल। उसके जो परिवर्तनशील संबंध हैं पारस्परिक दोनों के मध्य के परिवर्तनशील संबंध हैं उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आए हमारे पास ब्लास महोदय, पूरा नाम था विडाल डी ला ब्लास। फ्रांस में ये रिवाज है नाम को ऐसे टुकड़ों में लिखने का, विडाल डी ला ब्लास, ब्लास के नाम से भी हम इनको कह सकते हैं। ये क्या थे, संभववादी थे, ये क्या थे, संभववाद के समर्थक थे। संभववाद देखिए क्या होता है, एक इसमें मुख्य कौन होता है, मानव, मानव प्रमुख। ब्लास महोदय ने कहा कि आप पहले सैंपल आई, उन्होंने कहा था कि प्रकृति प्रबल है, ब्लास महोदय आते हैं वो कहते हैं कि नहीं मानव मुख्य है। क्यों है, क्योंकि मानव क्या है, बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है, अपने अनुसार वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। प्रकृति क्या करती है, उसके सामने संभावनाएं व्यक्त करती है, संभावनाएं व्यक्त करती है, और मनुष्य क्या करता है, उन संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लेता है। उन्होंने कहा कि भाई कैसे करेगा, कि उन्होंने कहा वनस्पति है, वन है हमारे पास, उनको काटेगा, लकड़ी बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा और अपने जीव को उपार्जन में क्या कर लेगा, सुधार कर लेगा। कि प्रकृति ने तो सिर्फ हमें वनस्पति दी है, क्या दी है, वनस्पति। मानव क्या करता है, उन वनों का उपयोग करता है और अपनी बुद्धि का लगाता है, बुद्धि लगाता है या बौद्धिक स्तर का उपयोग करता है और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना लेता है, अपने भौतिक जीवन में उनका क्या करता है, उपयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति ने सिर्फ संभावना दी है, वनस्पति दी है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उस संभावनाओं का क्या किया, उपयोग किया। मनुष्य ने क्या किया, उन संभावनाओं का उपयोग किया और अपने जीवन स्तर में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लिया। तो जो संभववादी विचारधारा थी उसमें मानव क्या था, मुख्य था। ब्लास महोदय कहते हैं, फ्रांस के थे, ब्लास महोदय ये कहते हैं कि प्रकृति में और मानव में मुख्य कौन है, मानव है, क्योंकि मानव इस प्रकृति में परिवर्तन करने की संभावना या परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। अब आपने देखा होगा कि वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन मानव ने क्या बना लिए, बांध का निर्माण कर लिया, नहरें निकाल ली, सिंचाई की व्यवस्था कर ली। तो मनुष्य ने क्या किया, जैसे ही उसके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन आया, उसने प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखी या नहीं रखी, तो उसने प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखी है। तो संभववादी जो विचारक थे उनका ये मानना था कि मानव क्या है, मुख्य है, प्रकृति हमारे सहायक के रूप में रहती है, हमारे लिए संभावनाएं व्यक्त करती है, लेकिन मानव बुद्धिशाली होने के कारण क्या करता है, उन संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लेता है। कि प्रकृति जैसी है उसमें क्या कर डालता है, मानव परिवर्तन कर लेता है। तो ये थे हमारे ब्लास महोदय, जिनमें क्या माना, कौन सी चीज़ को माना, कि मानव क्या है, मुख्य है, प्रकृति सिर्फ उनके सामने क्या रखती है, संभावनाएं रखती है। हमने निश्चयवाद में बात की थी, प्रबल कौन, प्रकृति। संभववाद में बात की हमने, प्रबल कौन, मानव। तीसरा हमारे एक टेलर महोदय आते हैं, वो कह रहे हैं भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, न तो मैं तेरे साथ जाऊंगा ना मैं इसके साथ जाऊंगा। बोले क्यों, बोले हम तो एक नई विचारधारा लेके आएंगे। कौन सी, इन्होंने नवनिश्चयवाद कह सकते हैं या रुको और जाओ, रुको और जाओ। टेलर महोदय थे, भूगोल में इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने कहा न तो हम प्रकृति के साथ हैं और न ही मानव के साथ हैं, कहने का अभिप्राय है न तो हम निश्चयवादी हैं और न ही हम संभववादी हैं। हमने एक नई धारा का प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या था, रुको और जाओ। कि कह सकते हैं कि कुछ समय ऐसा आता है जब प्रकृति प्रबल होती है, कुछ समय ऐसा आता है जब मानव प्रबल होता है। तो हम इन दोनों में से किसी एक के पक्ष में नहीं रह सकते, तो हमने क्या किया, उन दोनों को जोड़ दिया। टेलर का काम क्या होता है, सीलना। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया।
कपड़े सिलने का काम होता है टेलर का, वही काम इन टेलर मोदे ने किया। इन्होंने क्या किया, न तो प्रकृति प्रबल है और न ही मानव, कहीं प्रकृति प्रबल है और कहीं मानव प्रबल है, इसलिए उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दिया, नाम था रुको और जाओ। इसमें क्या होता है, इन्होंने रुको और जाओ सिद्धांत दिया, इसकी तुलना की है ट्रैफिक सिग्नल पर। जब आप यहाँ खड़े हैं तो आप देखेंगे कि तीन लाइटें हैं, ग्रीन है, रेड है और येलो है। तो रेड है तो आपको रुकना है, येलो है देख के क्रॉस करना है, ग्रीन है तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास रास्ते अनेक हैं लेकिन हमें रुकना है और सोचना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, उन सभी में से एक सही रास्ता होगा जो हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो उन्होंने जो टेलर मोदे थे उन्होंने इस ट्रैफिक पुलिस वाले जो ट्रैफिक यातायात जो सिग्नल होते हैं, यातायात नियम जो होते हैं, उनसे क्या की थी, इसकी तुलना की थी कि कभी तो प्रकृति प्रबल होती है और कभी मानव प्रबल होता है, कि मानव इतना अधिक विकास कर लेता है, प्रकृति दो मिनट में क्या कर सकती है, उसको बराबर कर सकती है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, क्या हो गया, सारा वापस तहस नहस हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि न तो हम निश्चयवाद के समर्थक हैं और न ही हम संभववाद के समर्थक हैं। उन्होंने अपना एक नव निश्चयवाद सिद्धांत दिया, टेलर मोदे ने, नाम था रुको और जाओ। एक द्वैतवाद शब्द आता है, शब्द कौन सा है, द्वैतवाद। देखिए क्या था, द्वैतवाद जब आया तो विद्वानों में भौतिक और मानव, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि भूगोल को भौतिक भूगोल के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि भूगोल को मानव के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। और सर्वप्रथम वारेनियस थे, वारेनियस, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जियोग्राफिया, जियोग्राफिया जनरेलिस, वारेनियस मोदे ने एक पुस्तक लिखी थी जियोग्राफिया जनरेलिस, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया था, सबसे पहले उन्होंने ही इसका वर्णन किया था। द्वैतवाद का अर्थ था कि हमारे जो भूगोलवेत्ता थे या विद्वान थे वो एक बात पर सहमत नहीं थे, उनका ऐसा मानना था कि भूगोल को का अध्ययन हम किस संदर्भ में करें, द्वैतवाद दो के मध्य किसका चुनाव करें, एक था भौतिक भूगोल, दूसरा था मानव भूगोल। बात आती है कि भौतिक भूगोल भी किसकी शाखा है, मानव भूगोल भी किसकी शाखा है, भौतिक भूगोल की, लेकिन द्वैतवाद आया था जिसमें ये था कि हम भूगोल का जो अध्ययन करें वो किस कौन से पक्ष के अनुसार करें, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करें या मानव भूगोल के अंतर्गत इसका वर्णन हम करें। पहले हम बात करेंगे इसके अध्ययन क्षेत्र की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके इतिहास की। देखिए अध्ययन क्षेत्र में हम किस किस का वर्णन करेंगे, हेडिंग डालिए आप मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। फर्स्ट मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, देखिए जो विषय है अलग शाखा के रूप में इसलिए भी विकसित हुआ क्योंकि भूगोल का जो विषय क्षेत्र था अत्यधिक विस्तृत हो गया और एक ही विषय के अंतर्गत उसको पढ़ा जाना संभव नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाती हैं, अलग अलग शाखाओं का विकास हो जाता है। आगे जैसे आर्थिक आ जाता है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, यातायात भूगोल, अलग अलग नगरीय भूगोल, नगरों का वर्णन किया जाएगा, आर्थिक भूगोल, मनुष्यों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे जैसे किसी भी विषय का विषय क्षेत्र बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, उसकी अनेक शाखाएँ विकसित हो जाती हैं। बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। फर्स्ट बात करेंगे जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। देखिए क्या होता है इसमें कि मानव है, केंद्र कौन है, केंद्र बिंदु कौन है, मानव। कौन से क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, लिंगानुपात क्या है,
ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन में, कि किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसका भौगोलिक अध्ययन करना। मनुष्य वहीं पर निवास करता है जहां उसको अनुकूल जलवायु उपलब्ध होती है। कहां निवास करेगा? जहां उसको अनुकूल जलवायु उपलब्ध होती है। ऐसी जगह मनुष्य निवास नहीं करना चाहता जो जहां पर परिस्थितियां किस प्रकार की पाई जाती हैं, प्रतिकूल पाई जाती हैं। जनसंख्या के अंतर्गत हम मानव की प्रजातियां, उसकी जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, इन सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे। किस संदर्भ में? भौगोलिक संदर्भ में। कि कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें ऐसी कौन सी परिस्थितियां पाई जाती हैं जहाँ जिसके कारण उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और दूसरे ऐसे क्षेत्र उसी के समरूप ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, उन सभी कारणों का वर्णन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? जनसंख्या या मानव को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार का क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। हम तुलना कर सकते हैं, एक हमारे पास जयपुर है और दूसरा हमारे पास जैसलमेर है। आप कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है और यहाँ पर क्या पाया जाता है? जयपुर की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो इसका कारण उन्होंने बताया कि बहुत सारे कौन से कारक हैं? भौतिक कारक, जिसके कारण दोनों की जनसंख्या घनत्व में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। यहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, कठोर जलवायु पाई जाती है, जल का अभाव पाया जाता है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या का कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। जबकि इसकी तुलना में जयपुर में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। बहुत सारे मानवीय कारक भी होते हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं जिसके कारण भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, शिक्षा है, बैंकिंग है, जिसके कारण भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये रीजन है कि किस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है जो किसको प्रभावित करता है? जनसंख्या को प्रभावित करता है। सेकंड बात करेंगे हम प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, आपने देखा होगा जहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। भारत का छोटा नागपुर पठार, तुलना हम कर सकते हैं जैसलमेर से भी कर सकते हैं या मरुस्थल वाले क्षेत्र से भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो उद्योग धंधे विकसित होंगे या नहीं? उद्योग धंधे विकसित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके कारण भी जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी क्या करते हैं? मानव को प्रभावित करते हैं। 5 मिनट और। नेक्स्ट बात करेंगे हम सांस्कृतिक वातावरण की। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्य की संस्कृति का वर्णन किया जाता है कि वह किस धर्म से संबंधित है, उसके आचार विचार किस प्रकार के हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाएगा? संस्कृति में किया जाता है। नेक्स्ट है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, मनुष्य आसानी से उनके साथ क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो मनुष्य उसके साथ समायोजन नहीं कर सकता है। समायोजन का अर्थ होता है जिस प्रकार की परिस्थिति होती है मनुष्य अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है। तो जो वातावरण समायोजन है, जहाँ अच्छी जलवायु या उपयुक्त जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा, और जहाँ पर जलवायु या विषम जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। तो जो वातावरण है, वातावरण के साथ भी क्या करना पड़ता है? मनुष्य को समायोजन करना पड़ता है। अब आप कोई पर्टिकुलर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, आप जैसे कपड़ा या धागा बनाने का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कैसे क्षेत्रों में लगाएंगे? ऐसे क्षेत्रों में लगाएंगे जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, समुद्र तट के पास वाले क्षेत्रों में लगाएंगे जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि धागा बार बार नहीं टूटेगा। प्राकृतिक रूप से हमने क्या किया था, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं ताकि वहाँ पर हम इस उद्योग का स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरे देशों से संबंध। दूसरे देशों से संबंध,
हमारे यहाँ एक वस्तु का उत्पादन कम होता है, एक ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है। तो दूसरे देशों से अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है हम दूसरे देशों से मंगा सकते हैं, और हमारे पास जो आवश्यकता से अधिक वस्तु है उसका हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका कालिक अनुक्रमण। हाँ, परिवहन भी इसी में आ जाएगा। यातायात के साधन विकसित होंगे, परिवहन है, आयात निर्यात, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। कि दूसरे देशों से हम संबंध है, वो हमारे पास साधन है, क्या है साधन, कि उसके माध्यम से हम अपना सामान दूसरों देशों को भेज सकते हैं, और दूसरे देशों से हम उनसे जो अतिरिक्त सामान है या जिस सामान की हमें आवश्यकता है वो हम उनसे मंगवा सकते हैं। कालिक अनुक्रमण का अर्थ होता है समय के साथ विकास की दशाओं का अध्ययन, समय के साथ विकास की दशाओं का अध्ययन। देखिए कैसे जैसे जैसे समय बदलता जाता है मनुष्य के विकास की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता जाता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, शिकार करता था, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, उस अनाज को जो शिकार मिलता था उसको पका के खाना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, खेती करना प्रारंभ किया, और वर्तमान समय में धीरे धीरे उसका जैसे बौद्धिक स्तर का विकास होता जा रहा है उसके विकास की दशाओं में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो समय के अनुसार मनुष्य की जो बौद्धिक स्तर है उसमें परिवर्तन आता जाता है, और उसके अनुसार विकास की दशाओं में भी परिवर्तन आता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका वर्णन मानव भूगोल के संदर्भ में नहीं किया जाता हो, तो इसमें उन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। थैंक यू।